बैठिए। थैंक यू, बैठो बेटा। नमस्ते रॉकी साहब। नमस्ते, नाम भूल गया। गंगाधर सर, ये मेरा बेटा श्रीराम। हाँ पता है श्रीराम को सब जानते हैं, बॉक्सिंग स्टार, नेशनल चैंपियनशिप के विनर हो ना तुम। गुड, थैंक यू सर। इसका कोच कौन है? मैं हूँ सर। ओ फादर कम कोच, वेरी नाइस, होम कोचिंग। प्रैक्टिस जबरदस्त करना। बिल्कुल करूंगा सर। करना ही पड़ेगा, कल ही फाइनल है। तुम जीतोगे ना? यस सर। पक्का जीतेगा सर, क्योंकि कल जो मैच है वो दिल्ली के आरपी सिंह नाम के बॉक्सर के साथ है, और उसे मेरा बेटा ऑलरेडी दूसरे टूर्नामेंट में दो बार हरा चुका है। ओह रियली? सर वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? बताता हूँ जल्दी, क्या है? One friendly bout? No sir. Come on man. Go ahead. Yeah. This is my personal studio. मैं यहाँ हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। And this is my ring. Yeah buddy, this is for you. Are you okay, Rocky sir? Yeah. मेरे हिसाब से आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। मिस्टर गंगाधर सर, आइए बाहर जाकर बात करते हैं। ओके सर। आपका बेटा सच में बहुत अच्छा बॉक्सर है। थैंक यू सर। एक पंच में पूरा मुंह ही पंक्चर कर दिया, पर उसका बैड लक चल रहा है, फाइनल तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। सर कल तुम्हारा बेटा फाइनल में हिस्सा नहीं लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कम कम आरपी सिंह, आप इन्हें अच्छी तरह जानते हो। आरपी सिंह एंड हिज ब्रदर फ्रॉम दिल्ली। ये यहां पर क्यों आए हैं? मैच फिक्सिंग। अब की बार ये तेरे बेटे से हारना नहीं चाहता। व्हाट नॉनसेंस। इसके अंकल मेरे क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, तो उनका थोड़ा काम करना तो बनता है ना, वरना वो बुरा मान जाएंगे। इस ब्रीफ केस में पूरे 10 लाख रुपए हैं, ले जाओ। सॉरी सर, मुझे ये नहीं चाहिए। ये गलत है सर, 3 सालों से वो प्रैक्टिस करता आ रहा है, ये उसका ड्रीम है सर। आप मानेंगे या नहीं? नो आई कांट। मेरा बेटा कहाँ है? नेशनल चैंपियनशिप का विनर है ना तू? नेशनल चैंपियनशिप का विनर है तू? सर सर क्या कर रहे हैं सर? मेरे बेटे को छोड़ेगा सर, प्लीज सर, सर इसे मत मारिए सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए इसे सर, सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर, मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सर सर इसे मत मारिए सर, सर प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन? हॉस्पिटल में जाऊंगा सर। अगर ज्यादा होशियारी दिखाए ना तो तेरे बेटे के साथ सीधा शमशान घर पहुंचाएगा। परेड थम। परेड दाहिने मुड़। जय हिंद श्रीमान, 100 कैडेट्स परेड पर हाजिर हैं। परेड विश्राम। गुड मॉर्निंग कैडेट्स, हिमाचल प्रदेश चलने के लिए हमारी एनसीसी कैंप की डेट डिक्लेयर हो गई है, अगले महीने की 15 तारीख को रवाना होंगे। इस कैंप के लिए आपके कॉलेज से 4 कैडेट्स चुने गए हैं, मैं उनके नाम लेने जा रहा हूं। पी राजेंद्र, एल नवीन,
एस रवि एंड मिस्टर राजू। सीनियर अंडर ऑफिसर राजेंद्र, टेक चार्ज। यस सर। सुनो। हाय। कितना टाइम लगेगा? पीछे देखो। मजाक चल रहा है। ऑन द फ्लोर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। व्हाट हैपेंड राजा? लड़की को लाइन मार रहे थे सर। एग्जाम्स खत्म हो गए थे। राजू के एनसीसी कैंप में जाने का वक्त भी करीब आ गया था। एक दिन उसने मुझे फोन किया और रेनबो पार्क में मिलने के लिए बुलाया। हाय। हाय, बैठो ना। कल मैं जा रहा हूँ। कितने बजे? सुबह 5:30 बजे। कौन सी ट्रेन? किस बोगी में जा रहे हो? प्लीज ऐसे सवाल मत करो। मैंने अपने जर्नी डिटेल्स बताने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। कैंप कितने दिनों का है? 60 days। ओह, मतलब 2 महीने। बिल्कुल, कितना सही हिसाब लगाया। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। दुख तो होगा ही, फैमिली से इतने दिनों के लिए दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। फिलहाल मैं फैमिली से दूर ही रह रहा हूँ, लेकिन बात कुछ और है। ये जगह कितनी सुंदर है ना? तुमसे ज्यादा नहीं। ये फूल, ये हवा, ये रंग, सब कुछ कितना सुंदर है। मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं भाता। और थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। चांद की रोशनी में जगह और भी खूबसूरत लगेगी। चांद वहाँ ऊपर नहीं, मेरे पास बैठा है। मुझे चांदनी रात बहुत पसंद है और तारों को टिमटिमाता देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। ये क्या है? ये कैसी हरकत की तुमने? सॉरी प्रेमा, प्रेमा तुम कहीं दूर जा रहे हो ये सोचकर मैं तुमसे यहाँ बात करने के लिए आई। ऐसा करो कि सोचा नहीं था। सॉरी प्रेमा, प्लीज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज बस करो, अब कुछ मत बोलना, अब से अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। प्रेमा प्लीज, प्रेमा मेरी बात तो सुनो। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। सुनो भाई, अपन को अर्जेंट में मुंबई चलना है। क्यों भाई? रॉकी सर ने बुलाया है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। प्रेमा मिली क्या? जी नहीं मिली सर। मुझे प्रेमा चाहिए। ये एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग? मैं 24 घंटे उस लड़की को फॉलो कर रहा हूँ सर। तो तू सोता नहीं है क्या? तो 24 घंटे उसे फॉलो कैसे करता है? झूठ मुझे पसंद नहीं, सच सच बता। वो सर एक बार हाथ में आ गई थी, फिर अचानक उसका दोस्त बीच में आ गया और सारा प्लान चौपट हो गया। एक बार फिर से हमने कोशिश की लेकिन वो लड़की हाथ नहीं लगी सर, पर उसकी एक जोरदार फोटो हाथ लगी है सर। इन दोनों का चक्कर है क्या? हाँ भाई, जब ये उसे फॉलो कर रहा था तो हेलो। हाँ बोल।
काम हो गया क्या? वो लड़की पकड़ी गई ना? नहीं भाई, उसका आशिक उसके साथ में, मैं बाद में फोन करता हूँ। इस फोटो से क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है सर। मतलब? ये फोटो उसके बाप को दिखाऊंगा ऐसा बोलकर मैं लाखों रुपए ले चुका हूँ सर। ब्लैकमेल के लिए नहीं, किडनैप करने के लिए कहा था। किडनैप करने के लिए ही तो इसको ब्लैकमेल करना पड़ रहा है। वो सब छोड़, मेरी जल्दबाजी की वजह कुछ और है। इसे गौर से देख। चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल। ये एसपी विजय प्रताप सिंह है ना? यस, इस जेल का जेलर और ये मलिक है, बॉम्ब बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये तो ISI टेररिस्ट है ना? एग्जैक्टली। परसों यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें इसी का हाथ था। इस पर कितना इनाम रखा है पता है? पूरे 100 करोड़। अगर उसे जेल से निकालकर ISI के हवाले कर देंगे तो हमारी किस्मत ही पलट जाएगी। तो अब ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है। उस जेलर की बेटी को जल्द से जल्द किडनैप करके मुंह मांगी रकम वसूलेंगे। बेटी के बदले वो मलिक को छोड़ देगा। ओके, इट्स माय फोन। कूल, सॉरी, कैरी ऑन, बाय। हेलो। हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, मैं सुपरस्टार किशन कांत बोल रहा हूँ। अच्छा लगा ना तुम्हें? हेलो। वक्त की बड़ी पाबंद हो तुम। अब अपने राइट साइड से 2 मिनट आगे चलना। वहां लेफ्ट साइड में तुम्हें एक स्कॉर्पियो नजर आएगी। उसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं विद फाइनल कॉपी। वहां पैसे रखकर खुशी से तुम अपने फोटोग्राफ्स ले जा सकती हो। सोच क्या रही हो? कम ऑन मूव। मर गई क्या? मरी नहीं है, इंजेक्शन दिया है। जस्ट बेहोश होकर पड़ गई है। 1 घंटे तक नहीं उठने वाली। बॉस के पास जल्दी लेकर जाना। कौन थे वो लोग?
मुझे नहीं पता, मैं तो पैसे देकर अपने फोटोज लेने आई थी। तुम पागल हो गई हो? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती पता है? अरे वो लोग कहीं भी बुलाएंगे और तुम चली जाओगी। जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, किस्मत ही खराब है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ होना चाहिए ये सोचकर मुझे आजकल नींद नहीं आती। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने वाले? फॉर गॉड सेक मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। मैं मरूं तो मरूं, तुम्हें से क्या? शट अप। सॉरी प्रेमा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक बार सोच कर देखो, एक पुलिस ऑफिसर की बेटी होकर इतनी मामूली बात से डर क्यों रही हो? और ऐसा क्या है इस फोटो में जो तुम्हारे डैड देख लेंगे तो भूचाल आ जाएगा? मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी, इस पटरी पर सर रखकर अपनी जान दे दूंगी, पर उन्हें कभी सच्चाई नहीं बता सकती। तुम्हें कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है और मैं जानता हूँ ये आइडिया जरूर काम करेगा। हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर तो वो फोटो ऑफिशियल हो जाएगी, फिर हम उस फोटो का एक बढ़िया सा कटआउट बनाकर उसकी पब्लिसिटी करेंगे, क्या कहती हो? अगर जरूरत पड़ी तो मैं ब्लैकमेल करने वाले से ही शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। पर क्यों? डोंट फॉलो मी,